ऐसे भी माशाल्लाह लोग हैं कि मुझे खुद ही आने एक आदमी ने रब्ता किया, उसने कहा जी कि चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट जिबे फरमाए थे, मेरी नीयत है कि मैं इस दफा 100 ऊंट जिबे करूँ, तो आप इंतजाम करा दें। मैंने कहा मैं इंतजाम नहीं करा सकता। मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्र के मुताबिक के 65 ऊँटों को अपने हाथ से जिबे किया और बाकी में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वकील बनाया, लेकिन बाद में कभी किसी सहाबी ने 100 ऊँट जिबे नहीं किए। तो बिला वजह उससे बेहतर है कि आप एक ऊँट ही जिबे करें, लेकिन बाकी जो है गरीब वो ले लें। लेकिन सुना है उसको दिखाना था ना जी, मैंने हजूर के मुताबिक 100 ऊँट जिबे किया है। बड़े आदमी तो हर चीज में ये शो करते हैं, जैसे हमारे साउथ अफ्रीका वाले हैं उनको भी एक बीमारी है, वो अजान के लिए भी काला बंदा ढूंढते हैं कि बिलाल जो काला था। मैंने कहा फिर बिलाल तो मुअज्जिन था, वो तो काला तुमने ढूंढ लिया, लेकिन हजूर जैसे चेहरे वाला इमाम भी ढूंढ लोगे? क्या तमाशा बनाया हुआ है, काला है नीला है मुसलमान है अजान दे नमाज पढ़ाए। हर मुल्क में काले भी होते हैं सफेद भी होते हैं, बाद मुल्क में आपने इंडोनेशिया के लोग नहीं देखे छोटे छोटे हैं, बाद लोग आओ माशाल्लाह सारे 6 फुट से बड़े बड़े होते हैं, बाद काले होते हैं बाद गंदमी होते हैं। अल्लाह का निज़ाम है, ये थोड़ा है कि रंग बिलाल का बना लोगे तो बिलाल बन जाएगा। वो तो बिलाल बिलाल था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।